अमीर और गरीब की होली। आज होली के दिन साहूकार का बेटा हरीश सबसे छुपते छुपाते अपने घर से दूर आ गया है, क्योंकि उसे अमीरों के घर की होली पसंद नहीं है। मैं नहीं खेलूंगा अपने घर में होली, वहाँ होली खेलने में मजा ही नहीं आता। अरे वाह, इतनी सारी दुकानें और कितने रंग बिरंगी खिलौने और तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। यहाँ तो कितने सारे लोग भी हैं जो आपस में होली खेल रहे हैं। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिकू है, मैं पास के मोहल्ले में रहता हूँ। मैं बस यहाँ से बचकर निकलना चाहता हूँ, मुझे यहाँ की होली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारे कपड़ों से तो तुम बहुत अमीर लगते हो, तुम तो एकदम मेरी कॉपी हो, बस महंगी वाली। मैं हरीश हूँ, मैं भी अपने घर से भाग आया हूँ क्योंकि मुझे भी अपने घर की होली पसंद नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज्यादा लोगों का आना मना है, और हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को चुटकी भर ही रंग लगाकर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ तब तक रंग लगाया जाता है जब तक सामने वाला मोर ना दिखने लगे। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि तुम्हारे तो बड़े ठाट हैं। मेरे घर में तो इसका उल्टा ही होता है, सब होली खेलते हैं। अच्छा, तो मेरी तरह इसे भी अपने घर की होली पसंद नहीं? अगर मैं इसे सिर्फ आज के लिए अपने घर भेज दूं और खुद इसके घर जाकर होली मनाऊं तो कैसा रहेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे पहन लेता हूँ। फिर तुम बन जाओगे एक दिन के हरीश और मैं बन जाऊंगा चीकू। ओह माय गॉश, हरीश बेटा, तुम इतने गंदे कैसे हो गए? तुम फिर से सनस्क्रीन लगाए बिना घर से बाहर निकल गए ना? बैड बॉय हरीश, नाउ वेट। मेरा बच्चा बिल्कुल एंजल लग रहा है। सेल्फी टाइम, से चीज। अभी इस पीक को अपनी डीपे बना दी हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स विल बी जेलस। अमीरों का ऐसा लाइफस्टाइल देखकर चीकू की आंखों में चमक आ जाती है, मानो उसका सपना पूरा हो गया हो। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा यहाँ रहने का, आज मैं खूब मस्ती करूँगा। थैंक यू हरीश, क्या आइडिया लगाया है तुमने। हरीश बिट्टू, आके अपने कलर्स ले लो ना बेटा। आया आंटी, मतलब आया मम्मी। वाह चीकू, हरीश की ठाट देखकर हक्का बक्का हो जाता है, और दूसरी ओर हरीश चीकू की जिंदगी देखकर चौंक उठता है। तभी हरीश के दोस्त हरीश को चीकू समझकर घर ले जाते हैं। क्यों चीकू, तूने क्या सोचा था कि तू हमसे बच निकलेगा? यह सुनकर हरीश घबरा जाता है, उसे लगता है कि वह किसी मुसीबत में पड़ चुका है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे छोड़ दे, होली के दिन तू साफ सुखा नहीं घूम सकता, बुरा ना मानो होली है। अब मेरी बारी, ये हे हे हे, हो। हरीश चीकू के दोस्तों के साथ खूब मजे से होली खेलता है। वहीं दूसरी ओर चीकू हरीश के घर के नए नए तौर तरीके देख रहा है। चीकू बहुत समय से अकेले बैठे बैठे बोर हो चुका है। ये सब कितना बोरिंग है, कोई भी एक दूसरे को रंग नहीं लगा रहा है, और हरीश की मम्मी तो रंगों से भरी प्लेट्स को आगे रख कर सेल्फीज ही लिए जा रही है। अब इन्हें लगा भी लो भाई। वैसे अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो इन मिठाइयों पर हाथ साफ करना तो बनता है। ओएमजी, व्हाट इज दिस बिट्टू, मैंने तुम्हें कहा है ना कि ज्यादा मिठाइयाँ मत खाया करो, तुम
पार्टी हो जाओगे। वैसे भी मैंने अभी तक उस मिठाइयों के साथ सेल्फी भी नहीं निकाली है। ओह नो, अब इन मिठाइयों की प्लेट्स को रिफिल करके दोबारा सजाना पड़ेगा। सॉरी मम्मी, प्लीज माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया। देखो तो, पड़ोस का यश तुम्हारे साथ होली खेलने आया है। यह सुनकर चीकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अपने हाथों में रंग लेकर यश के साथ होली खेलने दौड़ पड़ता है, पर शनाया उसे रोक लेती है। हरीश, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? देखो ऐसे रंग लगाओ। अब तुम भी ऐसे ही रंग लगाना। चलो नाउ, यश को जाना है टू प्ले विद दूसरे किड्स। इससे अच्छा तो अपने घर पर ही होली खेल लेता। माँ अपने हाथ से खाना भी खिलाती। यार हरीश, लौट आओ, वापस अदला बदली कर लेते हैं। वहाँ चीकू परेशान है और यहाँ मोहल्ले में हरीश कुछ बच्चों को अपनी माँ के साथ घर जाते देखता है। घर पर माँ मुझे अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से खाना बना के खिलाती और पापा ने आज मेरे साथ खेलने का प्रॉमिस भी किया था, पर मैं तो यहाँ हूँ, मुझे घर वापस जाना होगा। वहाँ हरीश अपने घर की ओर निकल पड़ता है और यहाँ चीकू, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तुम? मैं तुम ही ढूंढता हुआ आ रहा था। हरीश, मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे भी, मुझे तुम्हारे दोस्तों के साथ होली खेलने में बहुत मजा आया, पर बाद में अपने घर की याद सताने लगी। मुझे भी तुम्हारे घर पर मिठाइयाँ खाकर बहुत मजा आया। दो चुटकी वाली होली इतनी खास नहीं थी, पर बाकी सब नया और मजेदार था। पर मुझे भी अपने घर की याद आ रही थी। होली का मजा तो परिवार के साथ ही आता है। तो अब अदला बदली कर ले। हाँ, अगली होली पर मेरे घर आना। तुम्हारे घर की मिठाइयाँ और मेरे घर के रंगों से हम खूब मजे से होली मनाएंगे। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि त्योहार हमेशा अपने परिवार के साथ मनाना ही अच्छा होता है।